ये देखो फ्रेंड्स, गया पटना हाईवे यानी कि NH-83 को डोबी से कनेक्ट करने के लिए इसको गया के दोमुहान यानी बोधगया के दोमुहान के पास में इस तरीके से ओवरब्रिज फ्लाईओवर बनाकर कनेक्ट किया जा रहा है और काम जो है अभी बहुत ही ज़्यादा तेजी से यहाँ पे चल रहा है, आप देख सकते हो। ये देखो फ्रेंड्स, ये सामने जो आप देख रहे हो ना, ये संबोधि द्वार है, जैसा कि आपको वहाँ पे सामने में दिख रहा है वो संबोधि द्वार है। और यहाँ पे ये जो आप 4 लेन का निर्माण देख रहे हो, फ्लाईओवर का निर्माण देख रहे हो ना, इस रोड से अगर आप आगे जाते हो तो ये चला जाएगा डोभी की तरफ। और ये जो रोड आ रहा है ये गया से चल के आ रही है, लेकिन यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये जो गया पटना 4 लेन NH-83 बन रहा है उसको यहाँ पे लाके ज्वाइन किया है। इट मीन जो पटना से चल के आ रही है रोड ना, 4 लेन हाईवे, वो पीछे से मतलब बेला की तरफ से आकर यहाँ पे कनेक्ट करेगा और उसके बाद ये फ्लाईओवर जो है आगे जाके लाई करेगा और ये पहुँच जाएगा आगे डोभी में, डोभी तक मतलब डोभी को ज्वाइन करेगा। और इस तरीके से जो है ये पटना टू डोभी का काम जो है ना वो कंप्लीट हो रहा है, मतलब ये बोल दिया कि दोमुहान के पास में लाके फ्लाईओवर के ज़रिए इसको मिलाया जा रहा है इस तरीके से। और इसके नीचे से आप देखोगे बोधगया जाने के लिए रास्ता भी जो है वो बनाई जा रही है और लगभग इसका काम जो है यहाँ पे फ्लाईओवर का निर्माण हुआ है और बाकी की चीज़ें जो हैं धीरे धीरे हो रही है, ये आप देख सकते हो। हालांकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, गया पटना हाईवे बनने में बहुत सालों लग गए हैं यहाँ पे और अभी तक पूरी तरीके से काम जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। और इस तरीके से यहाँ पे पिछली बार हम लोग आए थे तो आप देखे होंगे कि कंस्ट्रक्शन जो है वो चल रहा था। ये देखो यहाँ पे पिलर वगैरह का निर्माण जो है वो कंटिन्यू लगा है। हेलो फ्रेंड्स, तो आपने गया डोभी NH-83 का अपडेट आप लोग बहुत दिनों से मांग रहे थे, तो अभी फ़िलहाल मैं आ गया हूँ उस जंक्शन पे जहाँ पे NH-83 जो है पटना से चल के आ रही है और बोधगया को ज्वाइन कर रही है। तो ये जो आप हमारे पीछे देख रहे हो ना, ये इधर से ही आ रहा है, मतलब पटना की तरफ से ये चल के आ रहा है और आगे जाने के बाद यहाँ से एक फ्लाईओवर उठ रहा है जो सीधे गया और डोभी का जो पहले वाला रोड था ना उसके ऊपर से क्रॉस करता हुआ ये डायरेक्ट जाके ज्वाइन कर रहा है गया डोभी वाले पुराने रोड में। बोधगया का जो दोमुहान था उससे ऊपर, उसके ऊपर में एक फ्लाईओवर बन रहा है और उसके बाद वो जाके उससे मिल जा रहा है। तो ये आप देख रहे हो यहाँ से ये फ्लाईओवर जो है ना ये उठेगा और ये सीधे जाके गया डोभी को कनेक्ट करेगा आगे। तो चलते हैं अभी हम लोग और आपको सारा व्यूज़ जो है ना वो शेयर करते हैं, तो बने रहो आप लोग। और चैनल पर नए हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग चलना शुरू कर दिए हैं बोधगया दोमुहान के पास से और आप देखोगे कि फ्लाईओवर जो है वो गया पटना वाले रोड से उठकर ये दोमुहान के आगे जाकर गया डोभी वाले रोड में ही नीचे लाई करेगा। सो अभी हम लोग दोमुहान से चलना शुरू किए हैं और आप बगल में देख सकते हो फ्लाईओवर यहाँ पे बन रहा है, अभी कार्य लगा हुआ है, कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है और मैं चल रहा हूँ अभी आगे यानी कि पटना की तरफ। तो इसके बीच में ही एक आप डाइवर्शन की तरह बना हुआ है, आप ध्यान से देखो यहाँ पे लिखा भी है गया और यहाँ से अगर आप कट जाते हो तो पुराना वाला जो कैंट मिलिट्री कैंट वाला रोड है ना गया का, वहाँ आप निकल जाओगे इससे अंदर जाओगे तो। और अब मैं जो चल रहा हूँ ना ये सीधा पटना को निकल जाएगा बेला चाकन होते हुए, ये जो NH-83 न्यू वाला बन रहा है उससे होकर आप सीधे आगे यहाँ से पटना तक निकल जाओगे। सो कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और जल्द से जल्द चालू हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हालाँकि बहुत टाइम हो गया है इसको काम लगे हुए, काफ़ी समय से लगा हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हो ये आके वापस से फ्लाईओवर जो है वो ख़त्म हो जा रहा है और यहाँ पे ये फिर से रोड के साथ में मिल गया।